in the game. So hello, कैसे हो आप सभी लोग? तागे में कौन नई वीडियो, और आज हम फिर से खेलने वाले हैं फीफा मोबाइल। अब चल के आज चलते हैं गेम के अंदर और देखते हैं कि आज की वीडियो में अपने को क्या कुछ करने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, टोटी इवेंट अपने को सामने की तरफ दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे चलने वाला टोटी के अंदर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज टोटी के पैक को परचेस करेंगे, उसके बदले अपने को मिलेगा तगड़ा सा प्लेयर। चल के देखते हैं अपने को आज कौन सा वाला प्लेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूँ एक टोटी का पैक, और देखते हैं कि उससे अपने को क्या कुछ तगड़ा सा मिल जाएगा। कोई तगड़ा सा प्लेयर मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, रिपीटेड ना हो बस। तो यहाँ पे अपने 98 का RM डॉन मिल चुका है, जो कि रिपीटेड है। तो मैं करना सोच रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे रिपीटेड हो चुके हैं, तो मैं एक एक्सचेंज पैक को ले लेता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे सबसे पहले कोलो मुआनी दिखा रहा है एक्सचेंज करने के लिए। तो कोलो मुआनी मेरे पास यहाँ पे दो दो है, और बाकी सब सिर्फ यहाँ पे एक एक प्लेयर से। यहाँ पे डॉन राव को भी मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ, गोलकीपर को छोड़ के। तो यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ एक्सचेंज, ठीक है। देखते हैं इसके बदले मैंने आपको कौन सा तगड़ा प्लेयर मिलने वाला है, कुछ तगड़ा सा मिल जाए। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे 101 का मुझे एक आरवे मिल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और मुझे ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा थी इसकी, क्योंकि 100 के नीचे के तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लेयर है, बट 100 के ऊपर के ज़्यादा कुछ नहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी अपने प्लेयर हो ना, सारे 100 के ऊपर के हो, तो मेरी टीम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ टोटी के टोकन थे जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया अभी, और कुछ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे चलते टीम ऑफ द ईयर में, वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टोकन हैं, तो वहाँ से मैं कुछ प्लेयर को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ, परचेस कर सकता हूँ मेनली, आप बोल सकते हो उसके पैक के बदले में। तो मैं यहाँ पे आ चुका टीम ऑफ द वीक में, और यहाँ पे मैं परचेस करने वाला हूँ पैक को। तो देखते हैं इसके बदले में कौन सा वाला प्लेयर मिलने वाला है। तो इस वाले पैक को मैं परचेस कर लेता हूँ। 5000 अपने को यहाँ पे कॉइन वगैरह बता रहा है, जो भी इसके कॉइन होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब देखते हैं अपने को कौन सा तगड़ा प्लेयर मिलेगा। तो एक मुझे 81 का मिला, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं था, क्योंकि मैं इसको यूज़ भी नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं अगर अपने पास यहाँ पे और भी कुछ टोकन होंगे, जो कि मेरे पास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अपन एक कोई परचेस यहाँ पे कर पाए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चलते हैं आइकन जर्नी के अंदर, बट उससे पहले मैं आपको अपनी टीम दिखाता हूँ। और ऑटो बिल्ड पर डाल के वो 101 वाला अपने को मिला है ना, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि अभी आप देख सकते हो आ चुका है यहाँ पे RB की जगह पर। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है, यहाँ पे डॉन जो है अपना ऊपर जा चुका है। अभी मेरी यहाँ पे रेटिंग भी हो चुकी है, बढ़ चुकी है 101 की, मेरी ओवर रेटिंग हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे 100 से ऊपर के भी प्लेयर है, और बाकी सब मेरे यहाँ पे 98-99 के हैं, उससे नीचे का कोई भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही बात होगी कि 80 का तो अपने पास कोई चांस ही नहीं, अपनी टीम में शामिल ही नहीं हो सकता 80 वाला प्लेयर। तो मैं सोच रहा हूँ आइकन जर्नी में चलते, और यहाँ की तरह मैं आपको खेल के दिखाता हूँ कि कैसी क्या अपनी टीम है। तो यहाँ पे मैं 17 वाले में खेलने वाला हूँ, जिसके बदले मुझे यहाँ पे एक प्लेयर भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। अब वैसे तो आज की वीडियो में अपने को 3 प्लेयर मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी अपने को मिल चुके हैं, और ये वाला मैच खत्म होने के बाद अपने को एक और मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये 70+ की इसकी रेटिंग दिखा रहा था। फिर भी चलो, अपन तो यहाँ पे मैच खेलने के लिए, उसके बदले में अपने को एक प्लेयर मिल रहा है, उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने मैच कर दिया स्टार्ट। अपने को हाफ टाइम मिला है, और कुछ बार नाम का वहाँ पे लिखा है, पता नहीं यार पूरा नाम क्या होगा इस वाली टीम का, जो भी होगा इसको मैं हरा देने वाला हूँ। उसने वहाँ पे हैंड कर दिया है, तो ये अच्छी बात है कि मेरे को एडवांटेज मिल चुका है। अब मैं सीधा अपने फ्रेंड को बॉल करूँगा पास, और मुझे लगता है कि मैं गोल कर लूँगा। अरे भाई उसने काफ़ी ज़्यादा दूर मार दी है करी मैंने पास, अरे यार काफ़ी ज़्यादा जोर से मैंने पास कर दी, मतलब मैंने यहाँ पे सारे सूट पर प्रेस कर दिया होगा मुझे लग रहा है, तभी इतनी ज़्यादा अपनी दूर फुटबॉल चली गई है। मुझे छीननी पड़ेगी फुटबॉल को, रुक जाओ भाई, दे ही नहीं रहे, पास कर करके खेल रहे। अभी मैंने छीन लिए, ये करा मैंने पास, ये मारा मैंने शॉट, नहीं गया यार गोल, मुझे लगा था चला जाएगा, क्योंकि पहले ने मारा था भाई, पहले के अक्सर गोल चले जाते हैं, बट ये वाला गोल नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा, एक बार नहीं हुआ तो सेकेंड बार होगा अपना। भाई मुझे फुटबॉल को छीनना पड़ेगा इससे, और रुक जाओ भाई, इनकी येलो कलर की भी टी शर्ट अच्छी लग रही ना, बट अपनी अच्छी यार हो, अपनी यार बिल्कुल लग रही है। यहाँ पे ब्लू कलर की टी शर्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ब्लू कलर की, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है यार मुझे, सबसे अच्छी अपनी मुझे लगती है। यहाँ पे अगर ऑरेंज कलर की होती तो और ज़्यादा तगड़ी लगती, बट ब्लू भी ठीक है यार, ब्लू भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल OCM का कलर लगता है देखने में। तो चलो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तरीके से मैंने फर्स्ट वाला तो गोल कर लिया। अगर ऑरेंज कलर की मेरी टी शर्ट होती ना, तो बिल्कुल सन कलर की हो जाती है, जैसे सन होता है ना, सनसेट कितना ज़्यादा ऑसम लगता है देखने में, उस टाइप की लगती है बिल्कुल। बट कोई बात नहीं भाई, ब्लू भी अच्छी OCN कलर की है। अब मुझे यहाँ पे छीननी पड़ेगी इससे फुटबॉल, में लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, जल्दी जल्दी मुझे लेके जाना है। ये करा मैंने पास, और ये मारा मैंने गोल, हो जाएगा जैसे लगता है मुझे, बिल्कुल यहाँ पे गोल हो चुका है भाई। 100 वाला प्लेयर ने अपने, 100 की रेटिंग वाले प्लेयर ने अपने यहाँ पे गोल करा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है ये भी। तो यहाँ पे अपने 2 गोल हो चुके हैं, तो जैसा कि मुझे लगता है कि ये वाले मैच को तो अपन विन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से, बट फिर भी यार गोल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं यार पहले 5-5 सेकंड में गोल कर लेता था, और अभी अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगा है, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यार इस गेम को मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हो रहा है थोड़ा सा अपने कैसे गड़बड़ी हो रही है। बट कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे अपन और तगड़ा सीख जाएंगे। ये बात अच्छी है कि अभी अपने से कोई भी टीम इसमें जीत नहीं पाती है भाई, कोई भी टीम नहीं जीत पाती है। खैर मैं ऑनलाइन तो ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, क्योंकि अपने पास इवेंट इतने ज़्यादा है कि ऑनलाइन खेलने का टाइम
नहीं मिलता है, बट मैं ऑनलाइन भी खेलूंगा। अगर आप कमेंट बोलोगे तो मैं ऑनलाइन खेल भी सकता हूँ। और आपको अगर मेरे साथ ऑनलाइन खेलना है तो अपनी आईडी आप यहाँ पे मेरे कमेंट लिस्ट में डाल सकते हो, अपन साथ में खेलेंगे ऑनलाइन तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें बॉल को तो यहाँ पे नेट के पास ले आ चुका हूँ मैंने, करा पास और ये हमारा डोन भाई ने गोल। डोन का भी गोल भाई अक्सर हो जाता है, 98 की रेटिंग है, बट भाई प्लेयर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है ये वाला। अब यहाँ पे रिपीटेड भी दिखा रहे थे, देखो मैंने अगर यहाँ पे पास नहीं किया होता ना तो शायद गोल नहीं हो पाता, बट जो मैंने पास कर लिया ना और स्लो मोशन में क्या ही लगता है भाई गोल मारते हुए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास यार काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ और मैंने अभी अभी 4 गोल कर लिए। मैं पता नहीं कितने सारे गोल यहाँ पे कर लूँगा, पहले तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहे थे बट अभी अपने सही साइड स्पीड में गोल होने स्टार्ट हो गए हैं। अब अभी गाइस यहाँ पे फुटबॉल अपने पहले के पास है और पहले अकेला ही गोल मार सकता है भाई, पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधा मैंने मार दिया गोल और भाई सीधा बॉल जाके लगी है नेट के अंदर। तो ये वाला भी अपना गोल हो चुका है, पहले भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। अब 108 की रेटिंग है तो ये बात तो है यार कि उसमें पावर तो होगी तभी इतनी ज़्यादा की उसकी रेटिंग है। और ओब्रिगाडो पहले को भी अपन ने इसीलिए कम्प्लीट किया था जैसे कि अपने को पहले वगैरह मिल पाए। तो एसटी का पहले यार अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बाकी एसटी का पहले ही भाई इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि गोल तो एसटी वाला ही मारता है आगे रह के। अब कोलो मुआनी तो यहाँ पे जा रहा है डोन भाई के पास है फुटबॉल और ये दे दी मैंने पहले को, ये मारा गोल भाई, ये हो चुका है गोल। अगर पहले ने मारा तो समझो भाई गोल हो जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें कि भाई गोल नहीं होता, बाकी अक्सर हो जाता है गोल जब पहले मारता है फुटबॉल का। तो यहाँ पे अपने ओपोनेंट टीम के पास है फुटबॉल, फिर से मुझे छीनना पड़ेगा। ये टाइम काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये टाइम जल्दी खत्म हो जाता तो ठीक रहता, क्योंकि इनको भी पता चल जाना चाहिए कि भाई मैं जीत रहा हूँ गेम को, तो फिर जल्दी से टाइम खत्म कर दो ना। पर ये बात है यार ऑनलाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट भाई ये तो यार ऐसे ही नॉर्मल वाला गेम चल रहा है। और यहाँ पे अपने डोन भाई ने फिर से गोल कर दिया, डोन भी प्लेयर है और बहुत ज़्यादा सही है। और खैर डोन का नाम DON होना चाहिए ना, बट इसका DON है तो शायद डोआन ऐसा कुछ इसका नाम होगा। बट भाई प्लेयर काफ़ी ज़्यादा सही है यार, ये गोल हर कोई से मार लेता है, जितनी भी गोल को ये मारता है ना वो गोल ही जाता है सीधा। तो फिर से मुझे यहाँ पे फुटबॉल को छीनना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं छीन पा रहा हूँ, सीधा पास कर दे रहा मैं अभी छीन लेने वाला हूँ। ये किया मैंने पास, अब जाने वाला है सीधा गोल, क्योंकि पहले के पास आ चुके हैं फुटबॉल। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मैं दौड़ के जा रहा हूँ, ये मारी मैंने फुटबॉल को किक गोल। और गोल यार उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, बहुत ज़्यादा आसान है इसमें गोल मारना। खैर मैं सोच रहा हूँ ना फुटबॉल खेलना शुरू कर दूँ रियल लाइफ में भी यार, मुझे फुटबॉल खेलने की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है। अब गाइस हम क्रिकेट वगैरह तो खेल लेते हैं यार, बट फुटबॉल उतना ज़्यादा नहीं खेलते, बहुत ज़्यादा कम, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम मैंने फुटबॉल खेला होगा। क्रिकेट तो हमने बहुत खेला है पैसों से, बट भाई फुटबॉल मैंने कभी भी नहीं खेला है, मुझे याद होगा पैसों से तो कभी भी नहीं खेला है, नॉर्मली खेला है। तो फुटबॉल भी खेलना चाहिए यार, उसके में भी अपने लेग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, स्टेमिना भी अपना बढ़ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ फुटबॉल भी खेलना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है गेम के अंदर। मैं ही जीत रहा हूँ यार, होने क्या वाला है देखना ये कि कितने गोल हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर फुटबॉल को छीन लिया, डोन भाई के पास जा चुके फुटबॉल, मैंने सीधा किक मार दिया यार, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं सच बताऊँ ना तो मैं परेशान हो चुका हूँ गाइस, क्योंकि यार जब अपने को पता है कि हम जीतने वाले हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अगर अपने को लगता है कि भाई कुछ भी करके अपने को जैसे जैसे गोल को बचाना पड़ेगा, अपनी अपोनेंट टीम भी जीत सकती है अगर उनके जीतने के कुछ चांस होते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है। करीब मैंने पास और गोल, भाई गोल पे गोल इतने ज़्यादा आसानी से हो रहे ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे इतने ज़्यादा आसानी से गोल हो जा रहे ना, मतलब गोल कीपर पकड़ नहीं पा रहा है, थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज यहाँ पे है नहीं, पता नहीं ईजी है या क्या है ये वाला मैच। पर जो भी यार इसके बदले में अपने को एक प्लेयर मिल जाएगा, अब मेरी टीम यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, एक वो रीज़न भी हो सकता है कि मैं इतनी आसानी से गोल कर लेता हूँ। अपनी टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता हूँ। तो चलो ये ख़त्म ही होने वाला है ये वाला पूरा मैच, ये हमारा मैंने गोल, जो कि अपने 11 गोल हो चुके हैं इस वाले पूरे मैच में। और अब मुझे लगता है कि ये वाला मैच भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे फुल हो चुकी है। हाफ टाइम अपने को मिला था, मतलब 45 के सेकेंड के बाद वाला अपने को टाइम मिला और उसी में मैंने यहाँ पे तबाही मचा दी है। चलो यहाँ पे जल्दी से फुल टाइम तो लिखा आ जाना चाहिए, आ जा भाई आ जा। तो ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे फुल टाइम लिखा आ चुका है। अब बरका का यहाँ पे सिर्फ एक गोल है और मेरे यहाँ पे 11 गोल मैंने मारे हैं, तो इनसे तो मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे हूँ। ये टीम को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये वाले मैच को मैं यहाँ पे हो जाता हूँ विन। अब देखते हैं कि अपने को यहाँ पे कौन सा वाला प्लेयर मिलने वाला है आइकन जर्नी से, कुछ तगड़ा सा मिल जाए। तो 77 का मुझे ये वाला प्लेयर मिला आरबी, अब इसका मैं यूज़ तो नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास तो 101 का यहाँ पे आरबी प्लेयर है, तो इसको मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बट अच्छी बात है कि अपने को ये यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे मेरे पास सोच रहा हूँ मैं कि टोटी की ओर मुझे कुछ टोकन मिले तो कलेक्ट कर लेता हूँ चल के, और जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 5 टोटी के टोकन मिल चुके हैं, यहाँ पे मुझे शायद 10 मिलने वाले हैं, नहीं यहाँ पे भी हमको 5 ही टोटी के टोकन मिले, कोई बात नहीं, अपने को दोनों को मिला के 10 हो चुके हैं। तो चलो फिर आज के वीडियो को यहीं पे कर देते हैं, एंड आप कमेंट बताने कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो में तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।